नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर प्रश्न उत्तरी के अंतर्गत 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं, जो कि 14 मार्च 2019 के करंट अफेयर डेली पर आधारित है। प्रश्न नंबर एक, भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला को इस नाम से आयोजित किया जा रहा है। सही उत्तर है अल नागा थर्ड के नाम से। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का वह स्थान जहां की हल्दी को GI टैग हासिल हुआ है। दोस्तों वह स्थान है उड़ीसा के इरोड की हल्दी को GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, जीव वैज्ञानिकों द्वारा इंडोनेशिया के एक द्वीप से खोजी गई बीटल्स की प्रजातियों की संख्या है। तो उन प्रजातियों की संख्या है बीटल्स की प्रजातियों की 103। अगला प्रश्न है, भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा केरल के दक्षिण पश्चिमी घाट में इस जीव की यानी किस जीव की नई प्रजाति खोजी गई है। तो उस जीव की नई प्रजाति का नाम है मेंढक। अगला प्रश्न, वह देश जिसने हाल ही में स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल कॉइन जारी किया है। तो हाल ही में ब्रिटेन ने स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल कॉइन जारी किया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि दोनों देशों ने सुरक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में 6 परमाणु बिजली संयंत्र लगाने का फैसला किया है। तो उस देश का नाम है अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर 6 परमाणु बिजली संयंत्र लगाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न, वह भारतीय क्रिकेटर जिसने अपनी 200वीं वनडे पारी में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक 13 मार्च 2019 को कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है। तो दोस्तों HDFC ने 13 मार्च 2019 को 6 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण को पार कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सरकार ने वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए कई बिल पास किए हैं जिसमें प्रदूषण को सामाजिक आपदा के तौर पर स्वीकार किया गया है। तो उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, वह देश जिसने एक बार फिर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने में बचा लिया है, उस देश का नाम है चीन। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें भी करंट अफेयर के नवीन क्वेश्चनों का पता चल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।